परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें ये जीवन दिया है और उसने हमें ये आशीष दी है कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें। हमें धन्यवाद देना चाहिए बाइबल के लिए, उसके पवित्र शास्त्र के लिए, जिसमें हमें परमेश्वर की सारी इच्छा मनुष्य के लिए मिलती है। आज हम परमेश्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर की बहुत सी विशेषताएं हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं, मसीह लोग, वो भी अपने आप को पवित्र बनाए रखें। एक और विशेषता जो हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर अनुग्रह है, परमेश्वर में करुणा है और परमेश्वर दंड भी देता है। तो एक ऐसा परमेश्वर है जिसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन एक खास विशेषता जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम, जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो बहुत महान है। वो इतना महान है कि इसकी कोई कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, एक ऐसा परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, एक ऐसा परमेश्वर जो चाहता है कि हम सब उसके जो लोग जो हैं वो एक दूसरे से प्रेम रखें। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में और हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम से अपना मुंह फेर लिया है। हम देखते हैं कि बाइबल के समय में भी बाइबल हमें बताती हैं जो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे इसराइली, वो बार बार हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे और बार बार परमेश्वर के प्रेम से अपना मुंह फेर लेते थे। और इसी तरह से आज भी हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के महान प्रेम से अपना मुंह फेर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम एक महान प्रेम है, एक ऐसा प्रेम है जिसकी कोई तुलना नहीं है, एक ऐसा प्रेम है जिससे हम मुंह फेर नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ हैं जो परमेश्वर के प्रेम से अपना मुंह फेर लेते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3:16-17 वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखिए किस तरह से परमेश्वर ने एक कुर्बानी दी और वो कुर्बानी थी उसके एक लौते बेटे की, यीशु मसीह। उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और फिर 17 में लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा तो इसलिए नहीं भेजा ताकि उनके ऊपर वो दंड की आज्ञा दे,
लेकिन इसलिए भेजा ताकि वो लोगों का उद्धार कर सके, वो लोग जो अपने पापों में खोए हुए थे। फिर एक और बहुत सी आयत प्रेम के बारे में हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4:10, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यानी प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, ये प्रेम नहीं है, हमने परमेश्वर से प्रेम किया ये प्रेम नहीं है, लेकिन इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। फिर रोमियो 5:8 में भी लिखा है परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि जब हम पापी थे तभी यीशु जो कि परमेश्वर का एक लौता पुत्र था क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया। इसी तरह से पहला यूहन्ना 2:2 वहाँ पर भी इसी बात को दर्शाया गया है कि यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मारा गया, ना केवल हमारे पापों के लिए परंतु जगत के सारे लोगों के पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। जो उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए, परमेश्वर के जो लोग हैं, मसीह लोग जो हैं, हमारे जीवन में जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी समस्याएं आ जाएं, या चाहे कोई भी यातना हमें सहना पड़े, हम परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहेंगे, हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहेंगे। चाहे हम थोड़े से लोग हों, चाहे हम थोड़े से लोग हों, लेकिन हम अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम से, वो प्रेम जो उसने यीशु के द्वारा हमारे प्रति दिखाया, उस प्रेम से हम अपना मुंह नहीं फेरेंगे। 66 पुस्तकें हैं बाइबल की और हम देखते हैं बाइबल में 2 भाग है, पुराना नियम नया नियम, और पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। लेकिन पुराने नियम की किताब है आमोस की पुस्तक और आमोस का 2 अध्याय और उसकी 9-16 आयतों में हम देखते हैं कि किस तरह से आमोस जो है वो भविष्यवाणी करता है परमेश्वर के लोगों के बारे में, इसराइलियों के बारे में, कि किस तरह से परमेश्वर उन्हें नाश करेगा, उनको दंडित करेगा क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चले। और हम देखते हैं आमोस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 9-16 आयतों में 3 ऐसी विशेष बातें जो परमेश्वर ने लोगों ने, परमेश्वर के जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उन बातों को किया, परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चले, जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे नाखुश था, नाराज था। और आमोस जो भविष्यद्वक्ता था, जो नबी था, उसने बोला, उसने इस फरमान को सुनाया कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं जो उसकी आज्ञा पे नहीं चल रहे हैं, जो परमेश्वर को भूल गए हैं, उसके प्रेम को भूल गए हैं, परमेश्वर उनको जल्दी नाश करने वाला है। लेकिन ये जो अध्याय, ये जो पुस्तक जो है आमोस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 9-16 आयत, ये जो 3 जो विशेष बातें जो हम देखने जा रहे हैं, ये बातें जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम उन इसराइली लोगों की तरह उन बातों को ना करें, वो बातें जो परमेश्वर के खिलाफ थी। अब एक एक करके हम इस बात को देखेंगे। सबसे पहले वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के बारे में, इसराइली लोगों के बारे में, वहाँ पे जो एक विशेष बात जो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं, इसराइली लोग हैं, वो एकदम से परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, इसराइलियों के लिए, उनके लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन हम देखें वो परमेश्वर को भूल गए हैं। देखिए, इसी तरह से कई बार हमारे साथ भी होता है, हमारे जीवनों में भी होता है। परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता रहता है, हमें बहुत आशीषित करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 9-11 आयतों में, यहाँ पे लिखा है कि मैंने उनके सामने से
एमोरियों को नष्ट किया था। अब ये जो एमोरी जो लोग हैं, ये जो जाति जो है, ये परमेश्वर के लोगों के दुश्मन थे, ठीक है, इसराइली लोगों के दुश्मन थे, इसराइलियों के शत्रु थे। और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांज वृक्षों का सा था, तो भी मैंने ऊपर से उसके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। अब देखिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर इसराइलियों को याद दिला रहा है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम्हारे जो शत्रु हैं एमोरियो, क्या तुम्हें याद है किस तरह से मैंने उनको नष्ट किया। तुम्हारे जो शत्रु जो थे, एमोरियो जो थे, ये तो बड़े बलवान लोग थे, जायंट्स थे, दानव थे, लेकिन मैंने तुम्हारे शत्रु को नाश कर दिया, क्या तुम इस बात को भूल गए। इसराइली लोग भूल गए थे, इसराइली भूल गए थे कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके शत्रु को नाश किया था। इसराइली भूल गए थे कि किस तरह से परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। हम देखें यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आगे चल के इसी अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया। देखिए परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इसराइली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन इसराइली भूल गए। यही ये जो इसराइली लोगों ने किया, कई बार हम भी इसी तरह से अपने जीवन में करते हैं। परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है, हमें मुश्किलों से बाहर निकालता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। फिर वो कहता है, तुम जंगल में थे 40 वर्ष तक, तुम जंगलों में फिर रहते हैं, तुम्हें किसने संभाला, मैंने संभाला, मैं तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमेश्वर, मैंने तुम्हें जंगलों में संभाला 40 वर्षों तक, तुम्हारी देखभाल करी, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें पानी दिया, तुम मुझे भूल गए। इसराइली जो थे उन्होंने परमेश्वर के मुंह परमेश्वर के प्रेम से अपना मुंह फेर लिया था। फिर देखें, हम देखें वहाँ पे ये भी लिखा है, आमोस 2:11-12 आयत, वहाँ पे ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, इसराइली लोगों की अगुवाई के लिए धार्मिक अगुए खड़े किए, यानी नबी, इसराइली लोगों के घरानों में से। हम देखें परमेश्वर ने कुछ जवान लोगों को नबी बनाया और कुछ जवान लोगों को नाजिर बनाया, ताकि वो लोग परमेश्वर की लोगों की अगुवाई कर सके। लेकिन हम देखें इसराइली लोग जो थे उनको इस बात से भी कोई परवाह नहीं थी, वो बल्कि वो उल्टा नबियों से कहने लगे, भविष्यद्वक्ताओं से कहने लगे कि तुम अपनी भविष्यवाणी बंद कर दो, तुम हमें प्रचार मत करो, हम नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर तुम्हारे जरिए क्या कहना चाहता है हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए इसराइली लोग, परमेश्वर के लोग, वो लोग ऐसा कर रहे थे। और फिर परमेश्वर ने कुछ जवानों को नाजीर, नेजराइट्स ठहराया था। लेकिन हम देखें इसराइली लोग, परमेश्वर लोग क्या करते हैं, वो नाजीरों को दाख मधु पिलाते हैं। देखिए किस तरह से हम तोहीन हो रही है, परमेश्वर के वचन का मजाक बनाया जा रहा है, परमेश्वर की जो बातें हैं इसराइली सुनना नहीं चाहते। देखिए इसी तरह से कई बार हम भी करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का खौफ करना चाहिए, हमें डरना चाहिए, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के सामने हैं, वो जीवता परमेश्वर जिसने हमें बनाया है। हम देखें 11-13 आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से प्रयास किए, परमेश्वर ने बहुत से प्रयास किए, बहुत कोशिश करी, ताकि ये जो उसके जो लोग हैं, इसराइली लोग जो है, वो मन फिरा के उसके पास वापस आए, लेकिन नहीं, हम नहीं सुनना चाहते। उन्होंने उन सारे प्रयासों को त्याग दिया, वो कहने लगे हमें सुनना ही नहीं है। देखे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने बहुत प्रयास किया अपने लोगों को वापस लाने के लिए, और इसी तरह से आज भी परमेश्वर कोशिश कर रहा है, इसी तरह से परमेश्वर आज भी प्रयास कर रहा है लोगों को बचाने के लिए।
परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी अपने पापों में मर जाए, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बचाए जाएं और सब लोग जो उसके बच्चे हैं वो उसके साथ हो। दूसरा पत्रस 3:9 वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। यानी देखिए परमेश्वर के अंदर कितना संयम है। बड़ी एक सोचने वाली बात है कि मनुष्य जो है वो गलती पे गलती करता है, परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर ने जितनी भलाई उसके साथ करी वो उन भलाइयों को भूल जाता है, आशीषों को भूल जाता है, लेकिन फिर भी हम देखें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर फिर भी कोशिश करता है, प्रयास करता है कि उसके लोग जो हैं उसके पास वापस आ जाए, कोई भी नष्ट ना हो। लिखा है पर तुम्हारे विषय में धीरे डरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए परमेश्वर का संयम, हमारे अंदर इतना संयम नहीं होता है, बहुत सी बातों को लेके हम अपना संयम खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर को देखें, परमेश्वर का संयम अभी भी बरकरार है। और परमेश्वर का संयम इसलिए बरकरार है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसका बच्चा नाश हो जाए, कोई भी उसका बच्चा अपने पापों में मर जाए, वो चाहता है कि वो अपने पापों से मन फिराए और उसके पास वापस आए। एक और बहुत सी पुस्तक है मती की पुस्तक, मती 18:11-14, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। यीशु मसीह का ये मकसद था, यीशु मसीह का ये उद्देश्य था कि वो लोगों को बचाए, इसी वजह से वो इस संसार में आया। और फिर लिखा है तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 बेटे हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा। फिर लिखा है और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा जो वापस आ गई हैं। ऐसा ही तुम्हारा पिता कि जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यानी साफ साफ एक जो बात जो देख रहे हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। अब देखे परमेश्वर की लोगों के बारे में, इसराइली लोगों के बारे में एक और बात जो हम देखते हैं आखिर में, कि वो अपने बल पर भरोसा रखते थे, बजाय परमेश्वर के बल पर भरोसा रखने के वो अपने बल पर भरोसा रखने रखे। और ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें घमंड आ गया। देखिए कई बार जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है, ठीक है, बहुत धन दौलत हमारे पास हो जाती है तो हम घमंडी हो जाते हैं, हम कहते हैं कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर, ये सब हमने किया है, हमने कमाया है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं ही हूँ और मेरे सामने कोई नहीं है। यही बात परमेश्वर के लोगों के साथ हुई, इसराइली लोगों के साथ हुई, वो घमंडी बन गए, वो अपनी जो उन्होंने जीत जो हासिल करी, जगह जगह जो उन्होंने जीत हासिल करी दूसरे लोगों पर, उन जीतों पर वो घमंड करने लगे। परमेश्वर ने उन्हें बहुत सी जीतें दिलाई, परमेश्वर हर वक्त उनके साथ था, जो समीने उनके शत्रुओं ने उनसे छीन ली थी परमेश्वर की मदद से वो जो ज़मीनें जो थी उन्होंने वापस अपने कब्जे में कर ली। लेकिन ये सब बातें हो गई और एक समय आया कि परमेश्वर के लोग सोचने लगे नहीं, ये सब कुछ जो हमने जो हासिल किया है, ये जो इतनी जीतें जो हमने दूसरे लोगों पर हासिल करी है हमने अपने बलबूते से करी है, इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। वो अपना भरोसा जो परमेश्वर पर होना चाहिए था उस भरोसे को छोड़कर वो अपने बल पर भरोसा करने लगे। इसराइली परमेश्वर के लोग जो थे उन्होंने परमेश्वर के प्रेम से अपना मुंह फेर लिया था। इस पाठ को हम समाप्त करने जा रहे हैं और मैं यही कहना चाहूँगा और मेरा यही सवाल है कि परमेश्वर के प्रति
हमारा प्रेम किस तरह का है? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को हल्के रूप में देखते हैं? क्या हम वास्तव में दिल से, हृदय से, पूरे मन से इस बात की सराहना करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? क्या अपने जीवनों में हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? यीशु ने बोला था मत्ती 22:27 में, तू अपने सारे मन और सारी आत्मा से और सारे हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमारे जीवनों में परमेश्वर का भय है? क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या हम उसकी इच्छा पर चल रहे हैं? अब देखें, इब्रानियों 10:31 में लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और एक और जगह इस प्रकार से लिखा है मत्ती 10:28 में कि जो शरीर को घात कर सकते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो हमें परमेश्वर से डरना है। हम क्यों परमेश्वर के प्रेम से अपना मुंह फेर रहे हैं? हमें परमेश्वर के प्रेम से अपना मुंह नहीं फेरना है, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम के पास आना है। और यदि हम परमेश्वर का जो प्रेम है उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और सराहना करते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो हम हमेशा परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, हमेशा उसकी इच्छा पर चलेंगे और हमेशा अपने जीवनों में उसको पहला स्थान देंगे। प्रकाशित वाक्य 2:10, मृत्यु तक यदि हम उसके प्रति वफादार बने रहेंगे, उसकी सारी जो आज्ञाएं हैं उस पर हमेशा चलेंगे, तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का यह वादा है, यदि हम मृत्यु तक उसके प्रति वफादार बने रहेंगे तो वो हमें जीवन का मुकुट देगा, हमें आनंद जीवन देगा। तो इसके बारे में सोचें कि क्या इसराइलियों की तरह क्या हमने अपना मुंह परमेश्वर के प्रेम से फेर लिया है, या क्या हम परमेश्वर के प्रेम का आदर, सम्मान और इज्जत करते हैं? परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपके सामने मैं ये दो मासिक पत्रिका दिखा रहा हूँ। ये सुंदर दो पत्रिका है मेरे पास, बाइबल टीचर, हिंदी और अंग्रेज़ी में। ये पत्रिका मुफ्त है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। इसमें बाइबल में से लेके बहुत अच्छे अच्छे पाठ हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं, जिसे पढ़कर आपको काफ़ी आत्मिक रूप से आशीष मिलेगी। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इसे पाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें संपर्क करें, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारा सेल नंबर है 9911916321, दूसरा नंबर है 9911719517। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे। और जब आप इसको भरकर भेजेंगे, हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेज़ी में भी है, यदि कोई अंग्रेज़ी में करना चाहता है तो हम अंग्रेज़ी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019, 110019। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके खतों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत राजे मिटाने के लिए साली पाचा दया ये लो,
पहना पालूंगा